हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का विशेष स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो सरकारी नौकरी निकल रही है वो नगर निगम से निकल रही है। नगर निगम में फायरमैन के पदों पे बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स रखी गई है 10th पास। यदि आप 10वीं पास हैं यानी कि SSC पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके साथ बात करेंगे, इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म भरेंगे। और यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। और इसका फॉर्म जो है वो शुरू हो गया है। तो कहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा, कैसे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आप रोजाना इस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल अक्षर में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, तो उस पर सब्सक्राइब करना। और इसके साथ साथ आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बेसिक जानकारी हिंदी में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हो, वैकेंसी नगर निगम के द्वारा फायरमैन, सह चालक, सह पंप ऑपरेटर रिक्तियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो विभागीय ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस पोस्ट के लिए जारी होता है, फायरमैन सह चालक की पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें फर्स्ट नेम जो आपको बताया कि कौन कौन सी पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है, फायरमैन, सह चालक, सह पंप ऑपरेटर की यहाँ वैकेंसीज आपको नगर निगम से मिल रही है। ये सभी की सभी वैकेंसी नगर निगम की है। तो नगर निगम में एक बड़ी जॉब का नोटिफिकेशन आया हुआ है। यदि आप भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके साथ ही वेतनमान की यदि हम बात करें तो 11,500 रुपये प्रति महीना आपको इसमें वेतन दिया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ जॉब अच्छा मिल जाएगा। यदि फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। इसके साथ योग्यता रखेगी 10th पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10th पास कैंडिडेट। इसके साथ बात करेंगे आयु सीमा की, तो 18 से लेके जो 40 वर्ष की जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। एज की गणना जो की जाएगी वो की जाएगी आपकी लास्ट डेट या स्टार्टिंग डेट से, वो जानकारी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। इसके साथ बात करेंगे आवेदन शुल्क की, यानी कि फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, तो फॉर्म फीस के तौर पे आपको क्या देना होगा वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ केवल आपको नियमानुसार बताया गया है फॉर्म फीस आपको नियमानुसार बताया गया है, तो वो नियमानुसार हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि जनरल SC ST और OBC कैंडिडेट्स को कितने आवेदन तौर पे जो है जमा करवाना होगा। इसके साथ आवेदन कैसे करना है, ऑफलाइन मोड से आपको इसका आवेदन करना है। नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म का फॉर्मेट, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी CSC के अंदर से आप ये निकलवा सकते हैं नगर निगम का फॉर्म। इसके साथ बात करेंगे इसमें आपका जो सिलेक्शन वो किस प्रकार होगा, फॉर सिलेक्शन, तो इसमें बताया कि चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल पर आधारित होगा, यानी कि आपका इसमें फिजिकल भी होने वाला है, क्योंकि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह की जो मापदंड इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसके बाद आपकी लिखित होगी या पहले लिखित होगी, ये अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी आपको नहीं दी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का प्रथम पेज का इंटरफेस आपको इस प्रकार का नजर आएगा। तो ये इसका प्रथम पेज है। इसके साथ आपको बॉटम में काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आपको यहाँ जो है नगर निगम का जो है यहाँ आपको मैप वगैरह दिखाया जाएगा, नगर निगम के महापौर संबंधित जानकारी आपको यहाँ बताई जाएगी। इसके साथ इम्पोर्टेंट लिंक में आपको यहाँ एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ये जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो इसका जो है सेकेंड पेज ओपन होगा। तो अभी हम इस रिक्रूटमेंट के पेज पर उस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा सेकंड पेज इस भर्ती प्रक्रिया का लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट में आपको बताया गया डिपार्टमेंट डिटेल्स और डाउनलोड। तो यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। फायरमैन डिपार्टमेंट यानी फायरमैन विभाग से वैकेंसी है। फायरमैन कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। और इसके लिए आप यदि आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन ये गुजरात से निकल रहा है, यानी कि जामनगर से ये नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। जामनगर से ये नोटिफिकेशन है, तो ये जो आपको गुजराती भाषा में जो है उपलब्ध करवाया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स गुजरात से जामनगर से हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो आपको ये नोटिफिकेशन बताया गया है इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड, सभी राज्यों की गवर्नमेंट जॉब हमारे चैनल के माध्यम से दिखाए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना।